नमस्कार एसएस ऑडियंस, आज मैं बहुत खुश हूँ। खुश होने का कारण यह है कि सीबीआई ने अब जो है रिप्लाई बैक किया है, स्वामी जी को चिट्ठी भेज करके ये कंफर्म किया है कि एसएसआर के मर्डर की जो बात हम लोगों ने उठाई थी, हम सारे एसएसआरियंस ने उठाई थी, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हम लोगों की लड़ाई अब जो है पे कर रही है और इसके जवाब आने शुरू हो गए। ये उन लोगों के गालों पर तमाचा है जो अब तक हम पे हंस रहे थे, ये उन लोगों के गाल पे जोरदार तमाचा है, थप्पड़ है जो कह रहे थे कि बड़ा एसएसआर की लड़ाई लड़ रहा है, क्या उखाड़ लोगे तुम लोग। तो भाइयों, जो एंटी एसएसआरियंस लोग हैं उनको जाकर के बताओ कि हमने ये उखाड़ लिया है और सीबीआई को जगाने के लिए मजबूर कर दिया है। सीबीआई अब जाग चुकी है और उन्होंने अपनी चिट्ठी से जवाब दिया है कि हाँ, इस मुद्दे को हम लोग बहुत गहराई से देख रहे हैं और मर्डर की बात को बिल्कुल भी नहीं नकारा जा सकता है और जितने सस्पेक्ट हैं वो अभी तक शक के घेरे पे हैं और उनसे सवाल जवाब जल्द ही और भी किया जाएगा, लेकिन उससे पहले एविडेंसेस कुछ इकट्ठे करने हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। अब बोलो जो लोग तुम लोग हंस रहे थे हम पे, मैं उन लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ, वो लोग और उनके साथ आप जरूर ये बात करें, उनको जरूर बताएं कि भैया बहुत हंस रहे थे, अब बताओ सीबीआई इतनी दुआओं के बाद आई, सीबीआई ने चिट्ठी लिख करके जवाब दिया कि नहीं दिया, बताओ, हो रहा है ना। बस इसी सिलसिले में आज रात को 10 बजे इंडियन टाइम 10 बजे नोट कर लीजिए आप लोग, मैं उज्ज्वल त्रिवेदी जी के साथ जुड़ रहा हूं, चैताली जी के साथ जुड़ूंगा, अमेरिका से तानिया जी जुड़ेंगी, यूके से अंजू जी जुड़ेंगी, इन सबों के साथ बैठ हम बात करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे। उज्ज्वल त्रिवेदी जी बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इस मुद्दे को बहुत गहराई से वो देख रहे हैं। चैताली जी ग्राउंड वर्क जबरदस्त तरीके से कर रही हैं, कल भी सीबीआई के ऑफिस के बाहर जब उनका प्रदर्शन हो रहा था तो वो भी वहां थी। तो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या हुआ और इस चिट्ठी को हमें किस तरीके से लेना चाहिए। आज जो भी बातें हो रही हैं इस पे ही निकल के आ रहा है कि सीबीआई बिल्कुल जाग चुकी है। अब तक हमने जो लव फॉर एसएसआर या फिर बाकी के जो भी हैशटैग जो भी ट्रेंड किए वो देखिए, सब का जवाब मिलना शुरू हो गया है। शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है बताइए। हम सड़कों पे भी नहीं उतरे, हमने बसें नहीं जलाई, हमने रोड नहीं तोड़ा, हमने शीशे नहीं फोड़े, हमने कहीं आग नहीं लगाया, लेकिन इसे कहते हैं पढ़े लिखे लोगों की लड़ाई। इन्हें बड़े ही इंटेलेक्चुअल तरीके से जो हमने लड़ाई लड़ी, ट्विटर का जो इस्तेमाल किया, फेसबुक का इस्तेमाल किया, यूट्यूब का इस्तेमाल किया, आज ये सारी चीजें बता रही हैं कि वर्चुअल मीडिया कितनी ताकतवर हो सकती है। आप सबों को बधाई, आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया कि इस लड़ाई को यहां तक लेकर के आए हैं, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और जितने भी बड़े एसएसआरियंस हैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। स्वामी जी को भी हम लोगों ने बहुत कुछ बीच में बोल दिया था, लेकिन स्वामी जी का देखिए, वो एक बड़े राजनेता हैं और तरीके से खेलना जानते हैं, उन्होंने कभी भी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, बड़ी शांति से काम कर रहे थे और स्वामी जी ही एक अकेले पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने खुल करके इस बारे में बात की कि सुशांत की जो है हत्या हुई है। एक अकेला निडर निर्भीक राजनेता था जिसने खुलकर कहा। तो यह बात है, एक बहुत बड़ी बात है और इसके लिए मुझे लगता है जिला जी कह रहे हैं ऑल एविडेंस प्रूफ सीबीआई हैविंग व्हाई दे नॉट टेकिंग एक्शन थिंग बिकॉज ऑफ पॉलिटिशियन इन्वॉल्व इन दैट मर्डर सीबीआई ऑल्सो गेटिंग स्केयर। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए लेकिन एक बात तो है ना कि सीबीआई अब तो वापस आ रही है, सीबीआई ने चिट्ठी लिखा है, सीबीआई ने वापस स्वामी जी को बताया है कि देखिए जो भी मर्डर की जो बात है उसे तो हम नहीं मुकर रहे हैं, ना ही फाइल हम क्लोज कर रहे हैं। आपको पता होगा जिया खान के केस में फाइल क्लोज हो गया था, तो फाइल तो यहां क्लोज नहीं हो रहा है। सीबीआई तो ये कह रही है कि भाई हम इस मुद्दे से नहीं नकार रहे हैं, थोड़ा वक्त लगेगा। मैंने पहले भी कहा है, देखिए सीबीआई 2 महीने के बाद आई थी कि नहीं, 2 महीने 60 दिन के बाद सीबीआई को यह दिया गया कि आप इस केस को संभालिए। 60 दिन में सारे एविडेंसेस सब कुछ तो साफ हो गया, तो सीबीआई के लिए काम तो आसान नहीं था ना, आसान था क्या बताइए। तो सीबीआई के नजरिए से भी आपको देखने की जरूरत है कि एक बहुत ही, और जहां तक आप कह रही हैं पॉलिटिकल प्रेशर, तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल प्रेशर है, ऑब्वियसली डर है वहां पे, पॉलिटिकल
जो हिंड्रेंस है, जो बैरियर है वो तो है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। इसीलिए इतना ज्यादा वक्त लगा है और भी वक्त लग सकता है, लेकिन जिसकी हम बात कर रहे थे कि सीबीआई ने आकर के साइलेंस तोड़ना चाहिए, लोगों को अपडेट देना चाहिए, वो सीबीआई ने फिलहाल तो अभी कर दिया है। सीबीआई ने बोला है कि आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ी सी शांति बनाए रखिए, और हम इस केस पे काम कर रहे हैं। जहां तक रहेगी बात मर्डर की या सुसाइड की, तो नहीं, सीबीआई ने कहा ये सुसाइड है, नहीं मर्डर है। लेकिन एक पॉजिटिव बात सीबीआई ने कही है कि मर्डर की बात से नकारा नहीं जा सकता है। तो सीबीआई ने कोई फुल प्रूफ स्टाम्प मार के नहीं बोल दिया कि मर्डर नहीं है। सीबीआई कहती है कि मर्डर के बात से हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो एस एस आरियंस, वी आर गोइंग वेल, वी आर डूइंग वेल, वी आर गोइंग फॉरवर्ड, एंड दैट्स द वे। कीप यूनाइटेड, कीप टॉकिंग अबाउट इट, कीप शेयरिंग अबाउट इट, बिकॉज ये जो यहां तक जो हम पहुंचे हैं, इस ओनली हैपन बिकॉज ऑफ द यूनिटी वी हैव, द लव वी हैव फॉर ईच अदर, द रिस्पेक्ट वी हैव फॉर ईच अदर। कीप दैट मेंटेन्ड। कभी भी एक दूसरे के बारे में कि भी एस एस आरियंस के बारे में कुछ से कुछ ना बोलें। अभी मैं कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक एस एस आरियंस है ऑस्ट्रेलिया से, आई वॉन्ट टेक हिज नेम, बट ही वॉज टारगेटिंग ऑल द एस एस आरियंस, ही वॉज सेइंग यू नो ब्ला ब्ला ब्ला, बट आई बिलीव देयर मस्ट बी सम बैकग्राउंड स्टोरी कि कोई और एस एस आरियंस ने उन पर भी ब्लेम किया। तो द होल थिंग आई वुड लाइक टू से इज राइट नाउ स्टॉप फाइटिंग, फोकस करो, एक गोल होना चाहिए। सुधीर भाई कह रहे हैं लुक्स लाइक देयर इज अ रे ऑफ होप लेफ्ट। वेल, दिस द मैसेज विच इज बिंग रिसीव्ड फ्रॉम सीबीआई यस्टरडे इज ऑब्वियसली आई वुड से प्रिटी होपफुल, प्रिटी पॉजिटिव, एंड देयर फॉर हम लोगों में एक जान आ गई है और ये जान आनी भी चाहिए। भाग्यश्री जी कह रही हैं वॉरियर्स विक्ट्री की राह पे, बिल्कुल भाग्यश्री जी, यू आर सो ट्रू, और बहुत सही कह रही हैं। आई रियली अप्रिशिएट द वे यू हैव कंसर्न फाइट अंटिल वी गेट जस्टिस। नहीं, थैंक यू सुजी जी, वी ऑल आर डूइंग इट, वी ऑल आर डूइंग इट, इट्स नॉट ओनली मी, देर आर लॉट ऑफ फाइटर्स, देर आर लॉट ऑफ वॉरियर्स, दे ऑल आर डूइंग देयर जॉब। येस, वॉट आई हैव डन, एंड लाइक मी देर आर लॉट ऑफ एस एस आरियंस, दे हैव डन, दे हैव क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म वेयर एवरी वन कैन एक्चुअली कम एंड ज्वाइन एंड रेज देयर वॉइस। रादर एक प्रोफाइल वाइज जो हम वॉइस रेज करते थे वो काम नहीं करता, तो वी ऑलवेज नीड अ प्लेटफॉर्म वेयर ऑल ऑफ अस कैन एक्चुअली कम टुगेदर एंड बैंग, एंड दिस इज वॉट एग्जैक्टली हैपनिंग। दिस पेज वॉज क्रिएटेड फॉर यू गाइज एंड इज वर्किंग वेल। और प्रीति सिंह जी कह रही हैं ये हमारी गट फीलिंग है, एस एस आर वॉज मर्डर्ड, ऑफकोर्स, और इसी गट फीलिंग के साथ ही हम आगे बढ़े हैं प्रीति जी। और आई थिंक सीबीआई ने भी यही कहा है, नॉट आई थिंक, सीबीआई ने यही कहा है कि हम इसे नकार नहीं सकते। विष्णु पी आर जी थैंक यू, जस्टिस फॉर एस एस आर। सिमरपुरी राहुल जी, जस्टिस फॉर एस एस आर, ऑफकोर्स जस्टिस फॉर एस एस आर, जस्टिस फॉर एस एस आर की गूंज सिर्फ इस धरती पे नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स में गूंज रही है। और यकीन मानिए आज तक ना इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई है किसी शख्स के लिए, ना लड़ी जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि 6-7 महीने तक लोगों ने अपने लाइफस्टाइल में जो बदलाव किया, लोगों ने ट्विटर का इस्तेमाल जिस तरीके से किया, फेसबुक का इस्तेमाल जिस तरीके से किया, मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी भी शख्स के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई हो। तो दोस्तों आपको बहुत बहुत बधाई कि आप एक इतिहास के गवाह बने हैं। और एक बहुत अच्छी बात यह है, सॉरी, मुझे कुछ यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि लोग जुड़ना चाहते हैं। मैं उनसे यही कहूँगा कि अभी मैं आपको नहीं ले सकता लाइन पे, क्योंकि फेसबुक में थोड़ा सा इश्यू है कि जैसे ही मैं किसी को लाइन पे लेता हूँ, किसी भी अपने ऐसे सारियंस को लाइन पे लेता हूँ, आवाज़ दब जाती है और कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। देयरफॉर सॉरी, लेकिन हाँ, आज के लाइव में हम आएंगे 10 बजे उज्जवल त्रिवेदी जी के साथ, और उज्जवल त्रिवेदी जी से भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार वो किस तरीके से देखते हैं। एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, इंडिया में एसएसआर की लड़ाई बहुत दिनों से लड़ रहे हैं, तो उनको लेकर के, उज्जवल त्रिवेदी जी को लेकर के आएंगे। अमेरिका से तानिया जी जुड़ेंगी, और फिर कोलकाता से चैताली जी जुड़ेंगी जो कि ग्राउंड वर्क पे बहुत ही ज़्यादा हैं, वहाँ पे एसएसआर के प्रोटेस्ट को लेकर के जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं उन सबों में वो थी। अंजू जी जुड़ेंगी यूके से, अंजू जी एक फिर से मैं कहूँगा एक वरिष्ठ एसएसआरियंस हैं जो कि यूके से इस लड़ाई को लड़ रही हैं। मीनाक्षी जी कह रही हैं सीबीआई ने थोड़ी हिम्मत
बढ़ाई है। सुधीर कुमरा भाई भी वन ऑफ द एसेसारियंस हैं जो कि यहाँ यूके से तन मन से लगे हुए हैं। लगे रहो भाइयों बहनों, जस्टिस विल बी डन। सच वॉज ऑरा ऑफ एसएसआर दिलो दिमाग पे छा गया बंदा और हमेशा रहेगा। मस्ट बी अ स्पेशल गाय इंडीड। ऑफ कोर्स एक चमत्कारिक बंदा था, एक करिश्मेटिक बंदा था, जो मैं कह लूं शिव भक्त, भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति, हमेशा मुस्कुराने वाला व्यक्ति। उसकी संपत्ति पे ऐश किया चक्रवर्ती परिवार ने, रिया चक्रवर्ती की पूरी फैमिली ने। संपत्ति को लूटा, सब कुछ लूटा। जब सब कुछ लूटने के बाद लोभ बढ़ता गया तो अंततः उस जान के साथ खिलवाड़ किया गया। जेन, सीबीआई मस्ट टेक इट सीरियसली। मेनी लाइव्स वर स्नेच्ड इन रिलेटेड विद एसएसआर। जस्टिस फॉर एसएसआर दिशा एंड ऑल दोज सोल्स। जस्टिस जस्टिस, एकदम यही गूंज है, यही गूंज है। और हमारी हमेशा यही बात रही है कि दिशा सालियान के फाइल के केस में दिशा सालियान की फाइल ही खो गई, तो मुंबई पुलिस तो मजाक कर रही है। और यकीन मानिए, जैसे ही सुशांत का मुद्दा जैसे जैसे सुलझेगा, और मैं इस बात को डेफिनेटली 100% इंश्योरेंस के साथ आप लोगों को कहता हूं आज, कि ये जो सुशांत का मुद्दा सॉल्व होगा वो दिशा सालियान से ही कनेक्टेड होगा। और सीबीआई भले इस बात को ना बोले, और लोग भले इस बात को ना बोले, लेकिन सीबीआई दिशा के केस को जोड़ कर ही सुशांत के मुद्दे को खंगाल रही है, बिलीव मी। क्योंकि दिशा का केस जो कि 8 जून को हुआ और 14 जून को सुशांत की हत्या होती है, वहां पे कनेक्शन है। और एक बात आप बताइए, एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं, जितने भी लोग, जितने भी क्राइम थ्योरी देखते होंगे, क्राइम सीरीज देखते होंगे, एक बात बताना। एक बहुत ही छोटा सा सवाल है लेकिन मेरे दिमाग में है, और ये सवाल ये है कि कोई आदमी अगर सुसाइड करने वाला होगा तो क्या वो पहले जूस मंगा के पिएगा? थिंक अबाउट इट। सुशांत पहले जूस मंगाते अपने नौकर से और फिर जूस पीते हैं, और उसके बाद ऐसा बोला जाता है कि दरवाजा लॉक हो जाता, मर जाते। कोई बंदा जूस पी करके आत्महत्या क्यों करेगा? कोई थियरी ऐसी है क्या कि जूस पीने से आत्महत्या करने को बल मिल जाता है, या फिर आत्महत्या जो करना आसान हो जाता है, ऐसा होता है क्या? तो और यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं सारे कमेंट्स नहीं ले पा रहा हूं, मैं भी देखता हूं। राधा जी कहती हैं, जस्टिस विल बी डन, नेवर गिव अप, लेट्स फाइट टिल जस्टिस डन। ऑफ कोर्स। मीनाक्षी जी कह रही हैं, सर मैंने अपनी लाइफ में ऐसा प्योर सोल कभी नहीं देखा, भगवान उसको, उसके परिवार को और हम सबको जस्टिस जरूर देगा। ऑफ कोर्स देगा मीनाक्षी जी। देखिए, पॉजिटिविटी सबसे जरूरी चीज है, और इसके बिना कुछ नहीं होता। हे माय जैक इज स्टिल अलाइव, द बर्ड्स विच इज रॉकिंग द वर्ल्ड, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? आई हैव नो क्लू मेट, आई कम बैक टू यू ऑन दैट, आई हैव नो क्लू एट ऑल। भाग्यश्री जी कह रही है, दिशा एंड जिया टू सर, हर मदर इज वेटिंग फॉर जस्टिस टू। ऑफ कोर्स, एंड यू विल सी हाउ द कनेक्शन इज गोना कम आउट। ओके Okay, so so what I would like to say now, there are questions and the questions, pay questions है। इसके लिए मैं लाइव जाना चाह रहा था, और मैं जानना चाहता हूँ एक्चुअली बहुत सारी बातें कि आखिरकार, एंड वी नीड टू गो बैक, वी नीड टू गो बैक, वी नीड टू गो बैक टू ऑल दी सस्पेक्ट्स, जो संदीप सिंह सस्पेक्ट थे, रिया चक्रवर्ती या शौवी चक्रवर्ती या फिर उनकी पूरी परिवार की जो कहानी है, अगर वो लोग सस्पेक्ट थे, आप पुरानी कहानियों पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि सब कुछ कनेक्टेड है। संदीप सिंह ने जिस तरीके से बातें पलटी हैं, संदीप सिंह ने घड़ी घड़ी बातें पलटी हैं। ये कहा है कि अच्छा, मैं वहां एम्बुलेंस वाले से इसलिए बात कर रहा था क्योंकि एम्बुलेंस वाले को पे करना था, एम्बुलेंस वाले को पे करना था एम्बुलेंस वाले को, तो एम्बुलेंस वाले ने आपको क्यों कॉल किया पे करने के लिए? और आपका नंबर उनके पास कहां से आया? एम्बुलेंस वाले के पास? क्या आपने एम्बुलेंस वाले को अपना नंबर दे दिया था कि पेमेंट के लिए तुम मेरे से पैसे लेना? संदीप सिंह, यू आर ट्राइंग टू मेक एवरीवन फूल, बट द क्वेश्चन वर नॉट राइट। जो भी क्वेश्चंस आपने, जो भी आंसर्स दिए हैं, वो सब के सब उल्टे पुल्टे हैं। फिर आपसे पूछा गया कि आपने थम्सअप क्यों दिखाया, थम्सअप, थम्सअप वाला बहुत बड़ा विवाद छिड़ा। ओ एक्चुअली समवन वाज शाउटिंग, हुई संदीप सिंह, हुई संदीप सिंह। तो मैंने मास्क पहना हुआ था, तो मैंने पुलिस को ठेंगा दिखा के बोला कि या दिस इज मी, दिस इज संदीप सिंह, दिस इज संदीप सिंह। कैन यू बिलीव इट? ये
कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मास्क पहन करके भी लोग बातें करते हैं और उनकी आवाज सुनाई देती है। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जिस पर संदीप सिंह फंसते चले गए। संदीप सिंह ने एक मीडिया चैनल को यह बताया कि वो जब टीवी देख रहे थे तो टीवी से उन्हें न्यूज मिला कि सुशांत ने आत्महत्या कर ली है और वो परेशान हो गए। दूसरे मीडिया चैनल पे जाते हैं तो संदीप सिंह ये बोलते हैं कि मुझे फोन आया शेट्टी का, महेश शेट्टी कोई उनका फ्रेंड है, उनका फोन आया और तब मुझे पता चला कि उनकी हत्या हुई। तो झूठ के कई रूप होते हैं, जब आप झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलते हुए फंसते चले जाते हैं। सच का एक ही रूप होता है, झूठ के कई रूप होते हैं। सच अगर आपने बोला है तो सच में आपको कहानी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच सच है, सच स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हाँ दिस इज व्हाट हैपेंड। लेकिन झूठ आप भूल जाते हैं कि पहले बंदे को आपने क्या बोला था और दूसरे बंदे को क्या बोलना है। तो झूठ बदलता रहता है और झूठ जो बदलता रहता है वो आपको फंसाता जाता है, आप दलदल में फंसते चले जाते हैं। इसलिए झूठ बोलने से पहले सावधान रहिए, और अगर झूठ बोलना ही हो तो एक बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट तैयार कीजिए और उस स्क्रिप्ट पे डटे रहिए। जी नहीं, मैं आपको झूठ बोलने के लिए मोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन हाँ अगर झूठ बोलना हो तो एटलीस्ट बी प्रोफेशनल, झूठ बोलने में भी बहुत ही प्रो की तरह एक्ट करो, नहीं तो दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी। ठीक है, और संदीप सिंह यहां पे फंसते चले गए। सर दैट एनजीओ लेडी इज ऑल्सो डाउटफुल। जैन, या ऑफ कोर्स देर आर सो मेनी पीपल। जय श्री जी कह रहे हैं जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, देर आर सो मेनी पीपल एंड आई एम सो हैप्पी टू अनाउंस दैट आई एक्चुअली वेंट थ्रू दैट लेटर विच इज बीइंग सेंड बाय सीबीआई टू स्वामी जी, एंड इफ मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव गॉन थ्रू इट, यू कैन चेक इट ऑन माई पेज एज वेल, सुशांत सिंह राजपूत का जो पेज है जहाँ पे अभी मैं लाइव हूँ, वहाँ पे भी मैंने वो लेटर पोस्ट किया हुआ है। तो हैव अ लुक, इट्स सो पॉजिटिव सीबीआई ने जिस तरीके से रिस्पॉन्स किया है, और ये पॉजिटिविटी है। भाग्यश्री, ऑफ कोर्स देर आर लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्वड एंड देयरफॉर वी ऑल वांटेड टू फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। और जो मुंबई में जो हो रहा है, मैंने कई बार लोगों को यह समझाने की कोशिश की है, और जितने लोग भी एंटी एसएस आर्यंस हैं जो हमसे ये कहते हैं कि एक एसएसआर के लिए ऐसे पागल क्यों हुए पड़े हो, तो मैं उनको बता दूं कि ये एक एसएसआर का मुद्दा नहीं है। वहाँ पे लाखों हजारों एसएसआर मर रहे हैं मुंबई में, और ये सिर्फ मुंबई की बात नहीं है, कई जगह की बात है जहाँ पे स्ट्रगलिंग एक्टर्स जाते हैं, उनकी एक्टिंग को दरकिनार कर दिया जाता है, उन्हें नहीं पूछा जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द नेपोटिज्म, जस्ट बिकॉज ऑफ द बॉलीवुड माफिया, उनको मौका नहीं दिया जाता है, वो बेचारे गलत कामों में फंस जाते हैं, लड़कियां देह धंधे के व्यापार में फंस जाती हैं, या फिर कुछ ऐसे कामों में फंस जाती है, बार डांसिंग में चली जाती हैं, या फिर आई कांट टेल यू कि लड़कियों के लिए कितनी मुश्किल होती है। और जो लड़के होते हैं वो बेचारे जो अपना सब कुछ न्यौछावर करके, घर से बगावत करके, समाज से बगावत करके मुंबई भी जाते हैं, वहाँ पे जब उन्हें काम नहीं मिलता, उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है, वो ड्रग्स की दुनिया में, ड्रग्स ट्रैफिकिंग में घुस जाते हैं। क्योंकि अब ये ध्यान रखिए, एक जगह से दूसरे जगह ड्रग्स ले जाने के उन्हें पैसे मिलते हैं, तो वो बेचारे उसमें घुस जाते हैं। दैट इज हाउ यू वी नो हाउ द ड्रग स्टोरी इज कमिंग आउट फ्रॉम द मुंबई इटसेल्फ, बड़े बड़े एक्टर्स और ये सारे। तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग है, ये सारी चीजें, ये नए नए जो बेचारे संघर्ष करने वाले लोग जाते हैं वो उसमें फंस जाते हैं, और जब वो फंसते चले जाते हैं तो उनके पास कोई और उपाय नहीं होता। जब उससे निकलना चाहते हैं वो लोग, तो उनकी हत्या कर दी जाती है और सो ईजिली उसको सुसाइड घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि पुलिस अपना काम ढंग से नहीं करना चाहती और हर केस में सीबीआई नहीं आ सकती, तो इस तरीके से हत्या को आत्महत्या घोषित किया जाता रहा है। तो दोस्तों, ऐसे लोग जो भी मुझे कह रहे हैं या फिर आपको कह रहे हैं कि एक एसएसआर के मुद्दे से क्यों पागल हुए पड़े हो, ये एक एसएसआर का मुद्दा नहीं है, ये एक समाज का मुद्दा है, ये एक जन समुदाय का मुद्दा है, और ये कई हजार एसएसआर की कहानी है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। जितने भी लोग मुंबई में जाते हैं एक ख्वाब लेकर के, उस ख्वाब की हत्या होती है, उन लोगों की हत्या होती है, और उसे आत्महत्या का नाम दे दिया जाता है। दोस्तों,
आज मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये लड़ाई कभी भी आसान नहीं रही है। 6 महीने से अगर हम लड़ रहे हैं, मेरी वाइफ मुझसे नाराज हो जाती है, मेरा भाई मुझसे नाराज हो जाता है, मेरी माँ नाराज हो जाती है, कहती है कि तुम क्या पढ़े हुए हो इन सब चीजों में, कहाँ तुम ट्वीट 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 करते रहते हो, कौन सी दुनिया में तुम खोए रहते हो, तुम क्या हासिल करना चाहते हो। इसका जवाब मेरे पास नहीं होता, मैं जवाब दे भी नहीं सकता। इसका जवाब शायद मैं एक SSRN को तो दे सकता हूं, लेकिन अपने परिवार वालों को नहीं दे सकता। और यही कहानी मुझे लगता है कि हर एक SSRN की होगी। हर एक SSRN को हर रोज इस चीज से गुजरना पड़ता होगा जहां पे समाज सवाल पूछता है, परिवार सवाल पूछता है कि तुम आखिरकार इतने पगलाए क्यों हो, इस चीज के पीछे इतने मतवाले क्यों हो। लेकिन इसका जवाब हम जानते हैं, आप जानते हैं। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, एक खूबसूरत चेहरा, एक स्मार्ट चेहरा, एक इतनी अच्छी एक्टिंग करने वाला लड़का सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि किसी को इनसिक्योर फील होने लगता है। बॉलीवुड इनसिक्योर हो जाती है। और ये वही बॉलीवुड है जहां पे 60 60 70 70 साल यहां की कब्र पे पांव लटके हुए बंदे एक्टिंग करना चाहते हैं, वो छोड़ना नहीं चाहते, वो किसी और को मौका नहीं देना चाहते। और इसमें पालघर का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। कई जगह इस बात को में लोग कर गए हैं, SSR को इसके बारे में कुछ पता चल गया था। कुड बी, कुड बी, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। आई वोंट से कि एक चीज है जिसने SSR के इस इंसिडेंट को अंजाम दिया हो, देयर कुड बी लॉट ऑफ थिंग्स। वैभव शर्मा जी नमस्ते, विष्णु कुमार मीना जी नमस्ते, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो हम आज करेंगे रात को 10 बजे इंडियन टाइम से और UK टाइम से 4:30 बजे हमारे साथ उज्जवल त्रिवेदी जी जुड़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। और हमारे साथ UK से भी जुड़ेंगी अंजू नारंग जी, और USA से जुड़ेंगी तानिया जी, जो कि फिर से बहुत ही डेडिकेटेड SSRN हैं, पूरा रिसर्च किया है। और रिसर्च इसलिए मैं कहता हूं कि लोगों ने अपना बहुत सारा टाइम इसमें दिया है, बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट किया है, एक एक लिंक्डइन प्रोफाइल छान मारा है SSR का, रिया चक्रवर्ती का, अंकिता लोखंडे का, सबों की प्रोफाइल पे जा जाके इन्वेस्टिगेशन इन लोगों ने अपने तरीके से किया है। लोगों ने बहुत ज्यादा अपना टाइम दिया हुआ है। सलमान खान हैज जस्ट डन अ डील ऑफ 230 करोड़ फॉर राधे बॉयकॉट। सुधीर कुमरा भाई बिल्कुल सही, ये एक तो जो आदमी डिजर्व नहीं करता ना जिस फिल्म के लिए, आप सिर्फ मुखौटा पहना के किसी को नायक नहीं बना सकते। नायक जो होता है वो रियल लाइफ नायक होना चाहिए। रियल लाइफ में सलमान खान ने कितना काम किया है, बींग ह्यूमन जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है उस पर भी सवाल कई बार उठते रहे हैं कि ये बींग ह्यूमन क्यों आया, काले पैसे को सफेद बनाने का तरीका है बींग ह्यूमन, उस पर भी बहुत लंबी बातचीत हो सकती है। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि जब संजय दत्त जेल में जाते हैं तो सबके सब बॉलीवुड एक्टर तख्तियां पकड़ के खड़े हो जाते हैं, आई एम विद यू संजू, आई एम विद यू संजू। अब जब SSR का मुद्दा होता है तो सबके सब घर में दुबक जाते हैं। चलो ठीक है, कोरोना काल था, अरे ट्वीट तो कर सकते थे, फेसबुक कर सकते थे, लिंक्डइन नहीं पर हाँ इंस्टा तो कर सकते थे, नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया, किसी मीडिया ने भी कवर नहीं किया, किसी मीडिया ने कवर नहीं किया। इन मीडिया वालों को तो मैं कहता हूं कि आज तुम अर्णब गोस्वामी के मुंबई छोड़कर जाने पे खुश हो रहे हो, आज खुश हो रहे हो ना, ये लोकतंत्र की हत्या है। मीडिया वालों सुन लो, मैं एक बार फिर से कहता हूं, मीडिया वालों ये लोकतंत्र की हत्या है। कल तुम्हारे चैनल पर भी हमला होगा, तुम्हें भी कुछ भी बोलने से रोका जाएगा, तब तुम क्या कर लोगे। जब लोकतंत्र में पत्रकारिता की हत्या होने लगती है, समझ लो लोकतंत्र खत्म हो गया और हिटलरवादी शाही जो हुकूमत है उसके लिए तैयार हो जाओ। अभी हंस रहे हो ना आज तक वालों, NDTV वालों, ZTV वालों, है ना, India TV वालों, सबके सब हंस लो, लेकिन एक दिन तुम्हारा भी वक्त आएगा और उस दिन तुम्हारे साथ कोई भी खड़ा नहीं होगा। आज अर्णब अकेले इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और वही एक अकेला चैनल था जो SSR के मुद्दे को बहुत ही निर्भीक तरीके से उठा रहा था। कोई बात नहीं है, आज शाम को हम मिलते हैं। वी डोंट एंड कांट सी दीज एज अ हीरो, ऑफ कोर्स नॉट सुधीर भाई, ऑफ कोर्स नॉट। वैभव शर्मा, CBI रिप्लाइड टू स्वामी ऑन SSR केस, पॉजिटिव न्यूज, दैट्स अ बिग न्यूज, दैट्स अ बिग न्यूज। देयरफॉर टुडे 10 o'clock, डोंट मिस इट, we're going to join together, we're going to raise the concern together, and we have got senior journalists, we have got few more senior SSRians, we're going to discuss it further, we're going to find out more. ye jo bada news hai aakhirkar kitna bada hai, to dhanyawad, aise hi bane rahiye, jude rahiye, aapka pyar milta raha hai, ladte rahiye, kyunki ye ladai bahut